तो स्किल्स विद इस पर आप तमाम आपको तमाम कोर्सेज अवेलेबल होंगे तो अगर आप न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करे दिस इज द कोर्स अबाउट पॉइंट जीरो और इसकी इस, इस वीडियो में हम इमेज मैंने कम्प्लीट करेंगे ये पार्ट भी है इमेज मैंने का तो यहाँ सबसे पहले हम मल्टी चैनल को कंप्लीट करेंगे सो so, हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम मल्टाई चैनल ये क्या होता है मोड में जाके मल्टाई चैनल को हम सेलेक्ट करेंगे मैंने एक पिक ऑलरेडी ले ली है हॉर्स की तो यहाँ हम इस पिक को पुट करेंगे सिलेक्शन टूल लेकर हम इसको पुट करेंगे यहाँ इसको थोड़ा बड़ा करके हम इस पर मल्टाई जो चैनल है उसको अप्लाई करेंगे फोर मल्टा मल्टा चैनल होते हैं मल्टी चैनल्स होते हैं तो अः सी एम वाई के सियोन मैजेंटा येलो ब्लैक ये तो सब तमाम होते हैं तो अब हम इसको सबको यहाँ अप्लाई करेंगे मोड में जाना है अगेन इसको मल्टी चैनल को अपने क्लिक करना है ओके okay करना है तो ये आ जाएगा इस पर आ, जो मल्टी चैनल है ये लेयर्स के पास ही शो होंगे आ, तो यहाँ से हम पहले सियोन सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें इसका कलर ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं अब हम इसको अगेन कुछ ओ, कोई और, और कलर करेंगे और इसको हम ये देखिए मैंने यहाँ यहाँ से कलर किया है तो आप जो नेविगेटर है उसमें भी देख सकते हैं कि उसका जो कलर है वो डबल हो गए हैं अब यहाँ से मैं येलो कर देती हूँ या ब्लैक कर देती हूँ कुछ भी यहाँ मैं चेंज करती हूँ तो यहाँ जो हॉर्स का कलर है वो भी चेंज हो जाता है तो अब हम इसको अगेन से कलर चेंज करेंगे और मल्टी चैनल पर जाके देखते हैं मल्टी चैनल अब हम यहाँ इसको हम किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं देखिए मैंने ये सिलेक्ट ये जो आई शो हो रहा है इसको ये ऑफ था तो मैंने इसको ऑन कर दिया तो इसीलिए ये सब शो हो रही हैं अब तो इसको हम अब सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं सबको ये देखें आ, ये ब्लू येलो और ये देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स हैं मल्टी हैं इसे कहते हैं मल्टी चैनल्स तो यहाँ से आप अपनी जो फोटो है उसको किसी भी कलर में कर सकते हैं यहां इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इन तमाम का कलर जो है एक ही जैसा हो जाएगा ये हमने पिछली वीडियोस में ये तमाम सीख, सीख लिया है कि हम यहाँ से कैसे एडजस्टमेंट करते हैं लेवल अप करते हैं अगर आपको डार्क करना हो तो यहाँ डार्क भी कर सकते हैं लाइट करना है मजीद तो लाइट कर सकते हैं मेरी यहाँ अभी फोटो सिलेक्ट नहीं है तो मेरा पूरा पेज ही यहाँ पे हो रहा है ओके कर देना जस्ट आपने। तो इससे कहते हैं मल्टी चैनल एक दूसरे के ऊपर रख के देखते हैं मतलब कि अगर हमने कोई पिक ली है और उस पर एक जो है मल्टी चैनल अप्लाई किया है तो इस तरह से वो पिक होगी जैसे कि मैं ये, ये, ये ब्लैक पर येलो कर रही हूँ तो इस तरह से वो येलो होगी अगर हम आ, उसी ब्लैक पर कोई और कलर कर देते हैं या आ, दो कलर्स को मिक्स करते हैं तो किस तरह होती है ये देखिए ये आ, पिंक और येलो एंड देन हम सयोन ले लेते हैं इसको ब्लैक पर रख देते हैं तो ये देखिए कितना खूबसूरत हो गया ये वाला कलर ये कैसे था आ, और दूसरा वाला कैसे है ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा ऐसे लेयर लेनी पड़ती है तो ये अप्लाई होता है चले जी ये हो चुके हैं हमारा मल्टी चैनल इसे कहते हैं मल्टी चैनल नाउ फ्रेंड्स अब हमारा जो इमेज मेन्यू में बाकी जो रहता है वो सब हम कंप्लीट करेंगे और थोड़ी बहुत जो है, एडिटिंग है पिक्चर एडिटिंग वो भी करेंगे इमेज एडिटिंग करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू पेज ओपन करना है और उसके बाद हम इमेज मेन्यू में जाकर सेटिंग uh, करेंगे थोड़ी बहुत ही uh, जो हमने करनी है और जो हमारा रहता है तो यहाँ से अब हम इसको अप्लाई करते हैं एडजस्टमेंट मोड uh, हमारा कंप्लीट हो चुका है अब एडजस्टमेंट ये तमाम जो प्रॉपर्टीज है ये आज हम करेंगे आज इमेज मेन्यू खत्म ही करना है पार्ट बी है हमारा इमेज मेन्यू का तो ये सबसे पहले ये लेवल लेवल यहाँ से हम आ, आ, को, जो हमारे कलर्स हैं उनका लेवल सेट कर सकते हैं सबसे पहले हम यहाँ कुछ ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें प्रोमिनेंट हो जाए कि हमने करना क्या है सो so, यहाँ मैं जो सिलेक्शन है सिलेक्शन टूल है उसको सिलेक्ट करके इसमें कलर कर देती हूँ तो ये बेस्ट रहेगा आपने कोई भी सिलेक्शन की होगी तो उसी में कलर करके उसी को आप एडजस्ट कर सकते हैं जिस पर सिलेक्शन होगी तो ये मैं सेकंड ले रही हूँ इस पर नोट कीजिएगा कि जो मेरा सेकंड वाला है इस पर ही एडजस्टमेंट होगी तो यहां से एडजस्टमेंट में लेवल कंट्रोल एल इसकी शॉर्टकट कमांड है तो कंट्रोल एल करके भी ओपन कर सकते हैं तो ये आ गया हमारा लेवल का बॉक्स तो यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं मेरा यहाँ ब्लैक है लेवल में तो यहाँ पे जो मेरा सिलेक्शन है हाँ उसका कलर भी ब्लैक और वाइट में होगा तो यहाँ हम इसका कलर चेंज कर भी सकते हैं और यहाँ से हम हमने क्या करना होगा कि इसका लेवल हम अगर या डार्क करना चाहते और यहाँ से हम लाइट करना चाहते तो कर सकते हैं वरना यहाँ नीचे से भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं ये जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं यहाँ से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं राइट डाउन भी कर सकते हैं और यहाँ से आ, आ, जो है कर सकते हैं अब ये जो सिलेक्शन टूल है ये हम कलर सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं सिलेक्शन हैं के तो मिड वाला जो है ये बेस्ट है यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट करना होगा तो वही कलर आ जाएगा और उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं एंड देन बस आपने जस्ट इसको क्या करना होगा ओके okay कर देना है आपका कलर ये लेवल अप हो जाएगा नेक्स्ट है फ्रेंड्स नेक्स्ट अब देखते हैं कि इसमें क्या है एडजस्टमेंट में जाके हम नेक्स्ट को देखेंगे क्या करना है इसको सबसे पहले हम इसका जो कलर है इसको हम चेंज कर देते हैं लाइट कर देते हैं थोड़ा सा अब एडजस्टमेंट जाके ऑटो लेवल करेंगे ये देखें ऑटो लेवल हो चुका है हमारा कैसे था और कैसे हो गया ऑटो लेवल हो गया के जो हमारे जो कलर्स होता है उसमें डार्क और जो है लाइट के दरमियान कौन सा कलर है तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं तो यहाँ से कलर और चेंज कर लेते हैं हम डार्क ले लेते हैं ताकि हम जो हमने पहले जो सिलेक्शन की थी रेड वाली और अब जो सिलेक्शन की है इन दोनों का कलर है वो सेम हो जाए ऑटो कंट्रास्ट हो जाए तो इसको ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल एल भी कर सकते हैं तो so, uh, यहाँ से अब हम इसको एडजस्ट करेंगे एडजस्टमेंट में जाके ऑटो कंट्रास्ट कर देना आपने तो ये देखिए रेड और जो ब्लू है इन दोनों का जो फेडनेस है लाइटनेस है या डार्कनेस है ये कंप्लीट दोनों की बराबर हो चुकी है नाव है कर्व्स 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 मतलब के ये कर्व्स आपको दिए गए हैं कि आपने जो आपका जो कलर है सिलेक्शन में जो कलर है वो आपको लाइट चाहिए डार्क चाहिए कितना चाहिए तो यहाँ से अब हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं इसके मतलब कि लाइटनेस और डार्कनेस यहाँ से हम कर सकते हैं कहीं पर भी आप पॉइंट आउट करेंगे तो वही आपको जो है सेटिंग उसकी मिल जाएगी जितना आप लाइट करना चाहते हैं डार्क तो जस्ट आपने ओके कर देना है अब नेक्स्ट अब देखते हैं कि एडजस्टमेंट में क्या तोहफा है अब है कलर बैलेंस यहाँ से हमारे जो कलर्स थे सयोन मेजिटा येलो इनको हम बैलेंस कर सकते हैं कि हमें किस कितने में चाहिए मतलब अम्म ज्यादा चाहिए या रेड मेजिंटा ज्यादा चाहिए या ग्रीन येलो ज्यादा चाहिए या फिर रेड तो इस तरह से हम एडजस्टमेंट उसकी कर सकते हैं कलर बैलेंस कर सकते हैं ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से हम ओपन करेंगे कर तो और मेरे सिलेक्शन है उस पर फर्क पड़ रहा है तो यहाँ से कंट्रास्ट भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं दोनों को जब एक साथ अपने करना हो तो यहां से आप ओपन कर सकते हैं अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट में देखते हैं नेक्स्ट है सजूरेशन सेचुरेशन यहाँ ये यह बहुत मजे की चीज है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है यहाँ से सेचुरेशन हम इसकी होता uh, तो है मिक्सिंग तो यहाँ से हम इसके सेचुरेशन को बढ़ा या कम कर सकते हैं और ये जो है यहाँ से हम कलर कोई भी चेंज कर सकते हैं ये जो बहुत मजे का है कितने प्यारे प्यारे कलर्स आ जा जा जाते हैं यहाँ से तो यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं और इस कलर की यहाँ से लाइटनेस है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं तो ये बहुत जो है वो प्यारा सा एक प्रॉपर्टी है इसकी नेक्स्ट अब है डी सेचुरेशन होगा ये सेचुरेशन अगेन ओपन कर लिया मैंने नेक्स्ट है सेचुरेशन डी सेचुरेट कर देंगी हम सभी यानी कि जो हमने चेंजिंग की थी उसको हमने सेचुरेट कर दिया पहले जैसा कर दिया अब इमेज मेन्यू सॉरी एडजस्टमेंट में जाकर हम नेक्स्ट देखेंगे रिप्लेस कलर कलर रिप्लेस अगर आपको ये कलर पसंद नहीं है तो यहाँ से आप कलर को रिप्लेस कर सकती हैं यहाँ से देखें इसकी आप ये फिजीनेस भी इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं कि आपको किस तरह चाहिए और यहाँ आप कोई सिलेक्शन वाला भी कर सकते हैं और पूरी जो इमेज है उसको भी कर सकते हैं यानी कि इमेज आपकी कोई फोटो हो उसको आप आई कलर सेलेक्ट करें तो वहाँ जाके आपके, आपके आपने यहाँ जस्ट सिलेक्शन करनी होगी लेकिन अगर, आप अगर आपको पूरी जो इमेज है उसको फिजीनेस इंक्रीज डिक्रीज करनी है तो इमेज पर सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट है यहाँ से आप हम कलर भी चेंज कर सकते हैं जैसे हमने पिछले में किया था और ये है सेचुरेशन यहाँ इसको मिक्सिंग कर सकते हैं कलर को कितना डार्क में लाइट में कितना और यहाँ से लाइटनेस है जस्ट और यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं ये जो मिड वाला है इसको हम कोई सा भी कलर लेंगे तो यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा और आपने ओके कर देना है बस इसकी जो लाइटनेस है और उसको भी आप सेट कर सकते हैं ओके कर देना है ये देखिए हमारा जो सलक, कलर है ये हमने सेलेक्ट किया था तो ये हो चुके हैं अब हमने क्या करना है नेक्स्ट है सिलेक्टिव 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 कलर 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 आई थिंक या से हम selective, selective के पहले पिछली वीडियो में मैंने येलो किया था अभी मैं येलो कर रही हूँ हमारा सिलेक्टिव जो कलर है वो येलो रहे जो फर्स्ट आ जाता है हमारा ऊपर प्रॉपर्टीज में तो यहाँ से हम अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है कि ये तो हो चुके हैं सिलेक्टिव कलर अब नेक्स्ट है चैनल मिक्सचर यहाँ से इन तमाम चैनल्स को मिक्स कर सकते हैं आप ये देखिए मैं कर रही हूँ सही उनको मैं कर रही हूँ तो ये जो मेरा जो कलर था वो वहाँ चेंज हो रहा है जो मैंने सिलेक्शन की हुई है मैं जिनटा करूंगी तो इसमें भी चेंजिंग आ जाएंगी ये देखिए इसको मिक्स कर रही हूँ मैं ये मतलब इन तमाम चैनल्स को आप मिक्सिंग कर सकते हैं इनकी और नेक्स्ट है ग्रेडियंट मैप यहाँ से ये बहुत मज़े की चीज़ है यहाँ से आ, आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं मल्टी कलर्स ले सकते हैं इनको एडजस्ट कर सकते हैं तो यहाँ से हम सबसे सब पहले इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं कोई सी हम अब पिक ले लेते हैं इस पर हम अप्लाई करेंगे जो हमारा जो कलर्स हैं इस पर हम अप्लाई करेंगे ओके तो ये हम एडिटिंग कर रहे हैं थोड़ी बहुत ही और इस एडिटिंग में बहुत मजा आने वाला है और जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आने वाली हैं उसमें परफेक्ट एडिटिंग करने वाले हैं उसमें तो और भी ज्यादा मजा आएगा और आप बेहतरीन फोटो एडिटर बन जाएंगे इनशाला तो यहाँ से अब इसको हम डिफरेंट कलर्स कर सकते हैं मैंने ये सिलेक्ट किया आप कोई सो भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें से डाई इथर करना है तो डाई इथर भी कर सकते हैं मतलब आ, आ, डबल अप डबल कलर्स तो ये डाई इथर था एंड यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं ये देखिए मेरा जो है वो ब्लैक एंड वाइट है तो यहाँ से कोई भी चैनल जो है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं देखिए पिक में देखते जाएगा किस तरह से चेंजिंग्स आ रही हैं तो इनको भी एडजस्ट करना हम सीखेंगे अभी हम जस्ट ब्लैक एंड वाइट पर कर रहे हैं किसी भी तरह की आप पिक एडजस्ट कर सकते हैं पिक बना सकते हैं यहाँ से अब ये जो कलर है इसको हम यहाँ से डार्क भी कर सकते हैं मजीद और इस वाले पॉइंट से हम इसको लाइट भी कर सकते हैं ये देखिए मैंने डार्क और लाइट दोनों को साथ में कर दिया है अब हमने क्या करना है कि जस्ट इसको ओके कर देना है और यहाँ से भी ओके कर देना है तो ये हमारा ग्रेडिंग मैप है यहाँ से हम कर सकते हैं अब नेक्स्ट है कि इनवर्ट इनवर्ट करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल ही जो जैसे हमारे आ, पिछले जमाने में फोटोज आती थी उनको हम देखते थे वैसे ही हो गया नेक्स्ट है इक्वलाइज इक्वलाइज मतलब आपके दो जो आ, दो कलर्स हैं उसको डबल आपने फिफ्टी फिफ्टी करना है कि दोनों एक साथ ही आए नेक्स्ट है की हमने करना है त, आ, ये थ्रेश होल्ड थ्रेस होल्ड का बहुत ही ज्यादा काम है आपको आ, ये जो पोस्टर्स वगैरह ब्लैक एंड वाइट नजर आते हैं तो आ, या तो टी शर्ट्स पर या ऐसे ही कुछ होते हैं तो इस तरह से सेल्ड उसको करते हैं और यहाँ से हम अब इंक्रीज कर सकते हैं डिक्रीज कर सकते हैं जितना थ्रेश होल्ड करेंगे अप्लाई होगा ये देखिए मैंने पूरा ही कर दिया तो वो खाई भी गई अब इसको थोड़ा हम डिक्रीज करते जाते हैं ताकि ये इसको हम सही से इसका जो बना सकें पोस्टर पोस्टर बनाने के लिए ये अप्लाई होता है और नेक्स्ट अब है कि नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या है फ्रेश होल्ड के बाद पोस्टर साइज अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ आप पोस्टर साइज अप्लाई कर सकते हैं क्या आपको पोस्टर साइज में चाहिए नेक्स्ट है वेरिएशंस अब इसी की हम वेरिएशंस देख लेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस यहाँ पर मौजूद हैं आ, तो ये देखें ये यह तमाम यहाँ पे वेरिएशंस मौजूद हैं इसमें भी हम सेटिंग कर सकते हैं ये मिड वाली जो है ये ओरिजिनल होती है बाकी जो हैं ये तमाम इनका ये मिड वाली पर अप्लाई कर सकते हैं आ, कोई और हम पिक लेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो उसमें हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं सकते हैं मीड वाली पिक उसमें भी जो है वो ओरिजिनल थी अब हम यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं कि इमेज मैन्यू में हमारी क्या क्या चीजें रह चुकी हैं अः यहाँ से एडजस्टमेंट के बाद है डुप्लीकेट ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है अब डुप्लीकेट करेंगे डुप्लीकेट मतलब है कि हम जो डॉक्यूमेंट है वही जो हमारा है उसको हम उस डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं यहाँ से हम अब डुप्लीकेट कर देंगे बस ये देखिए नीचे भी वही ऊपर भी वही उसी की कॉपी आ चुकी है हमारे पास डॉक्यूमेंट की तो इसे मैं ऑफ कर देती हूँ नेक्स्ट हम हम देखते हैं कि इमेज मेन्यू में क्या है हमारे पास अब नेक्स्ट है कि अप्लाई इमेज इमेज अप्लाई इमेज मतलब जो कि अपने इमेज अप्लाई करनी है उसकी तमाम डिटेल मौजूद है या आपने पहले ही कर लिया है तो ये सारे डिटेल आपको ऑलरेडी पता है ओके okay कर देना है अप्लाई करके तो इमेज वैसे ही आ जाएगी ओके कैलकुलेशंस नेक्स्ट है कैलकुलेशंस आपकी तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं तमाम टूल्स हैं जो कि आपने अप्लाई किए हैं उनकी तमाम जो डिटेल हैं तो जो सारी कैलकुलेशंस हैं, लेयर्स की चैनल की तो ये वो ओपेसिटी जो है सबकी तो वो यहाँ पे मौजूद है यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं और ये सारे कैलकुलेशंस यहाँ अवेलेबल हैं ओके अब नेक्स्ट है कि देखते हैं कि इमेज मैंने में में मज़ीद हमारा क्या रह गया है और ये सब तो कंप्लीट हो चुके हैं ट्रिम करना रहता है कि ट्रिम कैसे करते हैं फ्रेंड्स जो डॉक्यूमेंट है ये उसको ट्रिम करते हैं पिक्चर के अलावा जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट होता है उसको हम ट्रिम करते हैं कि हमें जो नहीं चाहिए तो टॉप बॉटम ये सब कुछ सेलेक्टेड है मैं ओके okay कर दूंगी तो ये ट्रिम हो जाएगा मेरा ये देखें ये ट्रिम हो गया ये एरिया और नेक्स्ट साथ में कोई रेड ये एक बॉक्स था तो इसलिए वो ट्रिम नहीं हुआ और यहाँ से हम सिलेक्शन भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से कि कहाँ कहाँ से हमने ट्रिम करना है बॉटम से टॉप से जहाँ भी, भी ट्रिम करना है वहां से ट्रिम कर सकते हैं ओके तो इसका इसको करने के लिए सबसे पहले ये पिक्स हमें इसकी कॉपी करनी पड़ेगी कॉपी पेस्ट का तरीका मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है कि कंट्रोल आर प्रेस करना है और डबल क्लिक करना है अपने माउथ से लेफ्ट बटन तो आपका ये कापी हो जाएगा अब मैं इन तमाम जो कॉपी हमने की है पिक्स की इनको थोड़ा सा छुपा के मैं इनको रखती हूँ जल्दी जल्दी से मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ बहुत सारी कॉपीज़ लेकर इन इनको थोड़ा हाइड कर देती हूँ मैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है फ्रेंड्स अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बट आपने वीडियो स्किप करके नहीं देखनी अगर वीडियो स्किप करके देखी है और मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है तो मैं जस्ट उस कमेंट का जवाब नहीं दूंगी बाकी मैं आपके जो कमेंट्स हैं वो कीनली देखती हूँ और रिप्लाई करती हूँ सो आपने वीडियो सबसे पहले क्लीनली देखनी है और उसके बाद अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं तो इस तरह से ये सारी जो कॉपीज़ हैं इनको मैं पुट कर रही हूँ कुछ हाइड हैं और कुछ फुल ही हैं तो यहाँ से अप्लाई करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि रिवील लाल का क्या कमाल है अब हम इसको देखिए मैंने हो ये हो चुके हैं अब देखते हैं कि रिवील लाल रिवील लाल करते हैं तो अब क्या होता है ये देखिए तमाम की तमाम हमारी जो पिक्स हैं वो शो हो चुकी हैं तो ये है रिवील ऑल का कमाल कि हम ये सारी पिक्स को शो कैसे कर सकते हैं हमने जस्ट रिवील ऑल कर देना है तो हमारी ये सारी पिक्स जो हाइड थी वो शो हो जाएंगी अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा है ट, आ, इमेज मेन्यू में ट्रैप ट्रैप इसका क्या फायदा है कि फ्रेंड्स जब हम भी हम ट्रैप करते हैं तो हमारी जो तमाम जो अप्लाई की हुई प्रॉपर्टीज हैं वो सारी एज ए पिक शो होंगी वो सारी जो है एक ही लेयर में लॉक हो जाएंगी तो इसको हम जब अप्लाई करेंगे तो हमारी जो लेयर्स की तरफ देखिएगा कि हमारी एक ही लेयर हो चुकी है और वो भी लॉक्ड है इस पर अब हम कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है अब ये जस्ट प्रिंट करवाने के काबिल है तो इस तरह से हम ट्रैप करते हैं तो ये हमारी जो सेटिंग है वो बिल्कुल कम्प्लीट हो जाती है आ, और अब हम इस पर कुछ भी अप्लाई करना चाहें ये देखिए मैं अप्लाई करती हूँ तो अप्लाई नहीं हो सकता जब तक हम न्यू लेयर नहीं लेंगे मैं कुछ भी यहाँ अब राइट डाउन करना चाहूँ लिखना चाहूँ एडिटिंग करना चाहूँ तो ये नहीं होगी क्योंकि हमारी सेटिंग कम्प्लीट हो चुकी है हमने ट्रैप कर दिया है और हम इसको लॉक कर दिया है तो इस तरह से ये देखिए मैं बार बार कर रही हूँ तो नहीं हो रही तो अब हम हमने अगर इस पर कुछ भी और एडिटिंग करनी है तो हमने न्यू लेयर लेनी होगी न्यू लेयर लेकर हम इसको एडिट करेंगे जैसे यहाँ राइट डाउन कर देती हूँ कुछ भी तो ये देखिए अब हमने न्यू लेयर ली है तब ये हुआ है राइट डाउन हुआ है रेदर देन राइट डाउन नहीं हो रहा था अब इसको भी ट्रैप कर देंगे तो ये भी फिर अगेन से हमें न्यू लेयर लेनी पड़ेगी और एडिट करनी पड़ेगी तो यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं तो इस तरह से ये हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है इमेज मेन्यू हमने कंप्लीट कर लिया है नेक्स्ट uh, वीडियो में हम सीखेंगे कि लेयर्स के बारे में तो हम सीखेंगे लेयर्स कैसे यूज होती हैं एंड देन आपने इसको जस्ट सेव करना है एडिटेबल में करना चाहते हैं तो वैसे ही तो आप सीख चुके हैं सभी यहां से मैं भी सेव कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे भी कुछ अच्छा लग रहा है और सेव इस तरह करना है आपने पी एस डी में करना है तो ये एडिटेबल होगा यहाँ जे पी जी में करेंगे तो ये फिर पिक्चर में सेव होगा मैं पिक्चर में सेव कर रही हूँ इसे और ओके okay कर देना आपने जस्ट तो ये आपकी पिक्चर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है तो इस तरह से आप एडिटिंग करते हैं पिक्चर्स में मज़ीद जो है हम और ज़्यादा एडिटिंग करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटिंग करेंगे इन तो स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल और मजीद कोर्सेस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और ये देखिए हो चुके है हमारा मैंने भी दोनों टाइप में कर लिया है एडिटेबल में भी और पिक में भी Okay, friends, this is the image menu of Adobe Photoshop 7.0.